देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए बीते 14 माह से लोगों की सेवा में लगे समाज सेवी एवं राजनेता रविंदर सिंह डोगरा सैनिटाइजेशन अभियान को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। बात ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन की हो या फिर अति दुर्गम क्षेत्रों में पॉजिटिव आए लोगों की सेवा करने की, जहां कोई नहीं पहुंच रहा है वहां एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह डोगरा लोगों की सेवा में पहुंच रहे हैं और कोरोना से रोकथाम के लिए जरूरी सामान जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी के तहत सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के दोनों ब्लॉक बमसन और सुजानपुर में मार्च माह से लेकर अप्रैल के महीने में कोरोना केसों के बढ़ते प्रकोप के चलते पिछले सप्ताह सुजानपुर शहर खैरी और भरेड़ा में पीड़ित परिवारों के घरों को सैनिटाइज किया गया था, तो शुक्रवार को डोगरा ने लोखर कलोह और उठपुर पंचायत के गांवों को सैनिटाइज किया तथा ग्रामीणों को हैंड सैनिटाइजर भी भेंट किए। इस मौके पर डोगरा ने कहा कि लोहारडा व लोहाखर में दिल्ली से आए लोग पॉजिटिव थे, जबकि कलोहा में एक महिला संक्रमित हुई थी। डोगरा ने कहा कि सैनिटाइजेशन अभियान को वे लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों की मांग पर वे हर पंचायत में पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्होंने लोगों से आग्रह भी किया कि वे कोरोना को फैलने से रोकने में अपना अहम रोल अदा करें और निर्धारित मापदंडों का पूरी तरह से पालन करें और खुद सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। डोगरा ने कहा कि जिला प्रशासन, राज्य सरकार, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व अन्य नेता चुनाव के समय तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज कोई भी इन क्षेत्रों में नजर नहीं आ रहा है। डोगरा ने कहा कि जिन जिन पंचायतों में वे सैनिटाइजेशन के लिए पहुंच रहे हैं वे अति दुर्गम पंचायतें हैं, जहां वाहनों का तो जाना दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन को वे पहुंचा रहे हैं और चाहिए कि सरकार भी इन क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करे। यही कारण है कि विधानसभा क्षेत्र की जनता तमाम लोगों को नकारते हुए उन्हें स्वयं सैनिटाइजेशन के लिए फोन कर रही है। सुजानपुर विधानसभा के अंतर्गत दोनों ही ब्लॉक बमसन और सुजानपुर के अंदर कोरोना का प्रकोप काफ़ी बढ़ रहा है, इसी वजह से लोग हमें फ़ोन कर करके सैनिटाइजेशन के लिए बुला रहे हैं। पिछले कल हम लोहाखर गाँव में सैनिटाइजेशन के लिए गए थे और आज हम कलो में सैनिटाइजेशन करके आए हैं, जो कि बमसन ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और उसके बाद अभी हमने सबसे दुर्गम गांव कह सकते हैं बमसन ब्लॉक का लोहारडा, यहां पे हम सैनिटाइजेशन का काम कर चुके हैं, जहां पे दिल्ली से जो लोग आए थे वो कोरोना पॉजिटिव थे। मेरे पीछे जो ये आप गांव देख रहे हैं ये बमसन ब्लॉक का लोहारडा गाँव है, जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और सड़क मार्ग से भी इस गाँव को आने के लिए कच्चा और पहाड़ी रास्ता है लगभग 1 किलोमीटर का। तो ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि अभी मैं यहाँ पे सैनिटाइजेशन करके निकला हूँ, लेकिन लोगों से मेरी ये अपील है कि ऐसे दुर्गम इलाकों के अंदर ना तो सरकार, ना कोई जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक या कोई और व्यक्ति, इवन कि स्वास्थ्य विभाग वाले लोग भी ऐसी जगहों पर अगर बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है तो पहुँचने में असमर्थ हैं। तो मेरी लोगों से ये अपील है कि जो भी कोरोना की रोकथाम के लिए मानक हैं उनका पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि अगर गांवों में कोरोना फैल गया तो यहां पे व्यक्तियों को उठाने के लिए भी लोग नहीं मिलेंगे। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारी जितनी सेवाएं हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन अपना ख्याल स्वयं रखना भी आपकी जिम्मेवारी बनती है।